वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैरून सर। आज क्लास 8 का साइंस अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का आयोगिकरण। आइए देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्ट इनटू इट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल के नाइट्रोजन को उसके यौगिक में चेंज करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू टू प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीकों से होता है। पहला, देयर आर सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फ्रॉम फ्रीली इन द सॉइल। पहला होता है जो जीवाणु के द्वारा होता है, जो मिट्टी में पाए जाने जीवाणु हैं, पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके उसके नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, जिससे कि पौधे अपने प्रोटीन को बनाने में मदद ले सकते हैं। सम अदर लीव्स इन रूट्स न्यूरस प्लांट्स बीन्स पी इट्स, कुछ पौधे होते हैं जिनके जड़ों में प्रक्रिया पाई जाती है, वो क्या करते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, जो सीधे क्या करते हैं पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं। दलहनी पौधे जितने भी होते हैं, दलहन वाले, उन सब फसलों में नाइट्रोजन का उपयोग करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें राइजोबियम में पाए जाते हैं, राइजोबियम में नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। दूसरा होता है नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इट्स हैपन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइटिंग, एक प्रकाश के माध्यम से, जब बिजली चमकती है तो वायुमंडल का नाइट्रोजन का प्रकाश के माध्यम से सीधे पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, इसमें वो मिट्टी में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लाइटिंग अकर्स इन द एटमॉस्फेयर, देयर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द लॉट्स ऑफ एनर्जी इनेबल टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स, जो बिजली की बिजली होती है, जो नाइट्रोजन पड़ती है उसको बॉन्ड तोड़ने में बहुत ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे नाइट्रोजन टूट जाते हैं और ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिएक्ट करके वो अयोग्य बनाते हैं, जो हम अयोग्य यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जब लाइट पड़ती है, तो एक इसमें चेंज होता है टू एनओ नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड फिर आपसे एक प्रक्रिया करके नाइट्रेट नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रेट बनाता है और एमीन बनाता है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, नाइट्रेट फिक्सेशन होता है दो प्रोसेस से, एक होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा और एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। अब आता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, कोई भी चीज जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं पे जाकर मिल जाती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं, यानी नाइट्रोजन जहाँ से शुरू होता है फिर नाइट्रोजन में मिल जाना, ये नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन क्या होता है, सीधे प्रकाश के माध्यम से पृथ्वी में आकर मिट्टी में मिलता है, जिसे पौधे क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर वही पौधे जब मृत सूख जाते हैं, यानी मृत हो जाते हैं, तब उनका अपघटन होके वही नाइट्रोजन क्या होता है, फिर वायुमंडल में चला जाता है। ऐसे जो पौधे जानवर खा जाते हैं, उनके मृत होने के बाद उनका अपघटन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, अपघटन होने के बाद से सारे गैस क्या होती है, उनके शरीर से निकल के फिर वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल से पौधों में जानवर में आता है, फिर जानवरों से अपघटन होकर वायुमंडल में चला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। अब आता है एनिमल एज फूड, जानवर भोजन के रूप में कैसे इस्तेमाल होते हैं, गुड गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल फ्रॉम एनिमल, हम लोग पौधे और जानवर से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। यू नो दैट सिंस
ओल्डन टाइम में डिपेंड ऑन एनिमल्स डिफरेंट थिंग्स, पुराने समय में देखोगे आदमी केवल मांस, जब कृषि की खोज नहीं हुई थी तब आदमी केवल मांस ही खाता था। द रेयरिंग बींग द फीडिंग एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। पहले लोग भोजन जानवर को पालते थे, डोमेस्टिक जानवर को अपने घरेलू उत्पाद के लिए पूरा करने के लिए और उनको खाने के लिए, जैसे बकरी भैंस गाय लोग पालते हैं, उसका दूध प्राप्त करते हैं खाते हैं, इसी जानवर क्या बोलते हैं हस्बेंड्री। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, पर अलग अलग जानवर अलग अलग फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे गाय भैंस हो गए ये दूध हमें प्रोवाइड करती हैं, मछली हुआ बकरी हुई दूध और मांस देती हैं। फिश पिग ये जानवर में क्या करते हैं मांस प्रोवाइड करते हैं। सन एनिमल क्रो सच काउ फेलो गोट कैमल प्रोवाइड्स मिल्क, गाय ऊंट भैंस से हमें दूध प्राप्त कर देते हैं, जिनके दूध से हम क्या दही घी मक्खन बनाते हैं। एनिमल प्रोवाइड्स मेनी अदर थिंग्स लाइक हनी, कुछ मधुमक्खियाँ होती है जो हमें हनी प्रोवाइड करती हैं, शहद प्रोवाइड करती हैं। मधुमक्खियों के पालन को एप्लीकल्चर कहते हैं। ये हमारा आज फर्स्ट लेसन क्या होता है समाप्त होता है। अब अगले लेसन को लिए हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।